केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। 90,000 मतदाता इस सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस सीट पर अपने प्रत्याशियों की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पूरे जोर शोर से इस सीट को कांग्रेस के पाले में करने की रणनीति के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड की दो अहम विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल करवाई थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश गया था। जो पार्टी धर्म के सहारे राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करती हुई नजर आती है, उन्हें इस हार से आईना देखने का मौका मिला था। वहीं करण महारा ने इस तरह अपनी काबिलियत का लोहा पूरे प्रदेश में मनवा लिया था। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब विपक्ष दो सीटों पर उपचुनाव जीता हो। केदारनाथ उपचुनाव में भी करण महारा इस सीट को कांग्रेस के पाले में करने के लिए जीतोड़ मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा उपचुनाव के लिए केदारनाथ विधानसभा में काफी सक्रिय हो चुके हैं और तंबू गाड़कर बैठ गए हैं। जनसभाएं कर जनता के सामने केदार घाटी को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो विकास विजन है उसे रख रहे हैं। जनता के बीच मौजूदगी दर्ज कर उनकी समस्याओं को टटोल रहे हैं। इस सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस जीती है। स्वर्गीय शैला रानी रावत ने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर ही साल 2012 में इस सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी। फिर उसके बाद साल 2016 में वो उन्हीं 10 विधायकों में शामिल थी जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और फिर उसके बाद भाजपा में शामिल हो गई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट में चुनाव लड़ा लेकिन हार गई और कांग्रेस से मनोज रावत ने सीट पर जीत दर्ज की। उसके बाद साल 2022 में इस सीट पर भाजपा से स्वर्गीय शैला रानी रावत जीत दर्ज करती हैं, लेकिन जुलाई 2024 में इलाज के दौरान उनका अस्पताल में निधन हो जाता है, जिसके बाद ये सीट खाली चल रही थी। इस सीट पर शुरू में सबको लगा कि भाजपा का माहौल रहेगा और सहानुभूति वोट भी पड़ेंगे, लेकिन उसी समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा एक्टिव हुए और केदार घाटी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच निकल पड़े। हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाली। मौसम की मार झेलते हुए कई परेशानियां आई। सरकार की तरफ से इस पैदल यात्रा को मौसम को देखते हुए जब स्थगित किया गया तो लगा कि अब ये यात्रा सीतापुर पर ही पूर्ण विराम लगा चुकी है, लेकिन सितंबर के महीने में इस यात्रा को करण महारा ने केदारनाथ धाम पहुंचाकर ही दम लिया। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के कारण हुआ ये कि केदारनाथ सीट पर अब कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत का माहौल जमकर बन चुका है। अब भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में भी चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि टिकट को लेकर बीजेपी में भी इस बार घमासान खूब मचा। स्वर्गीय विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या शैल पुत्री जैसे पोस्टर से जनता को लुभाती रह गई, तो वहीं सीट पर पूर्व विधायक रही श्रीमती आशा नौटियाल बाजी मार ले गई। भाजपा से कुलदीप सिंह रावत इस क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला। श्रीमती आशा नौटियाल को टिकट मिलने के बाद शैला रानी रावत की राजनीति को देखने के साथ चुनावी मैनेजमेंट का काम संभालने वाले जयदीप बर्थवाल भी इस दौड़ में शामिल होकर उनकी विरासत को खुद को हकदार बता रहे थे। हालांकि टिकट आवंटन के बाद भी भाजपा में कलह थमा नहीं था। चलिए अब केदार घाटी के उन स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं जो इस उपचुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है केदारनाथ यात्रा 2024। दुनिया भर में केदारनाथ की लोकप्रियता है, उसका मुख्य कारण है केदारनाथ धाम। इस धाम की यात्रा को आर्थिक रीढ़ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार स्थानीय व्यापारियों ने केदारनाथ यात्रा को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि व्यापारी वर्ग का भारी नुकसान हुआ है। इसमें हर तबके का व्यक्ति शामिल है, होटल से लेकर खच्चर वाले सभी का काम इस बार पूरी तरह ठप पड़ा था। जनता के बीच उस मुद्दे पर काफी नाराजगी देखी जा रही है।
रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर रोजगार अब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पहले पहाड़ के युवा फौज की भर्ती के लिए रोज सुबह भागते दौड़ते नजर आते थे, लेकिन अग्निवीर योजना के चलते अब सड़कें सुनसान पड़ी हैं। फौज की नौकरी मात्र 4 साल होने के कारण युवा अब फौज की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस योजना को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कई सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जो डीआरडीओ के तहत संविदा पर रखे गए। उन्हें सीजन के वक्त लगभग 19,000 रुपए में काम पर रखा जाता है और जैसे ही यात्रा खत्म हो जाती है तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। सीजन के बाद ना तो उनके हाथ नौकरी होती है और ना ही किसी तरह की कोई पगार। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। केदारनाथ विश्व प्रसिद्ध होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जी रहा है। प्रसव के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य सहायता नहीं मिल पाती, जिसके चलते कई बार जच्चा और बच्चा दोनों को ही जान गंवानी पड़ती है। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं। देहरादून रेफर करने का खेल इस विधानसभा सीट पर भी खेला जा रहा है। केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनाना भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। केदारनाथ की तर्ज पर ही दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने जा रहा था। हालांकि मंदिर के पुरोहितों और जनता के विरोध के बाद उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन उसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसका हिसाब, उस पैसे का हिसाब किस तरह हुआ, उस पैसे को वापस दिया गया या नहीं, इसका कुछ अता पता नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इसको लेकर हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा भी निकाल चुके हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का बोलबाला केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाला है और किन मुद्दों पर जनता को इस सीट पर वोट करना चाहिए।